दोस्तों, अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं या एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर एक बिजनेस की बात करें तो उसमें बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत सी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना होता है। इसके लिए सफिशिएंट स्टाफ होने के बाद भी बहुत सी बार अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता। इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाएंगे कि किसी भी बिजनेस को एफिशिएंटली कैसे मैनेज किया जाए। उससे पहले देख लेते हैं कि इवन एक स्मॉल बिजनेस को भी कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। एक स्मॉल साइज बिजनेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको सिर्फ अपने लेवल के बिजनेस से कम्पीट नहीं करना होता, बल्कि उन्हें मार्केट में सर्वाइव करने के लिए मीडियम लेवल कंपनीज एंड बिग साइज कंपनीज से भी कम्पीट करना पड़ता है। बिग साइज कंपनीज के साथ सिर्फ एक ही चीज से कम्पीट किया जा सकता है और वो है स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, बिकॉज रिसोर्सेज एंड बजट में उनसे कम्पिटिशन नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक स्मॉल साइज बिजनेस जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, बजट एंड लेस एम्प्लॉयज है, वो क्या कर सकता है बताऊं? ओके, बताता हूं नेक्स्ट पॉइंट में। CRM सॉफ्टवेयर का यूज करके आप उनसे कम्पीट कर सकते हो। लाइक आप अपनी कस्टमर सर्विस बेटर कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपने बिजनेस की प्रोसेसेस को स्मूथ बना सकते हो, अकाउंटेबिलिटी को सेट कर सकते हो कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम और कब तक करना है, ऑटोमेशन कर सकते हो जिससे ऑटोमेटिकली कस्टमर्स के पास बर्थडे विशेस या और भी इसी तरह की विशेस के मैसेज चले जाए और वो हमारी कंपनी से कनेक्टेड फील करे। और भी जो रिपीटेटिव टास्क हैं, जैसे कि रिपोर्ट बनाना, इन्फॉर्मेशन का ट्रैक रखना एक्सेट्रा, ये सब काम CRM सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जा सकता है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब एम्प्लॉयज़ के डेली रूटीन वर्क CRM सॉफ्टवेयर कर देगा तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। एम्प्लॉयज डेली रूटीन वर्क से फ्री होके कंपनी के दूसरे इंपॉर्टेंट काम कर पाएंगे। वो बिजनेस की ग्रोथ के लिए नए आइडियाज एंड स्ट्रेटजी प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इससे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं कि एक CRM सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। क्योंकि हम स्मॉल बिजनेस की बात कर रहे हैं, ऐसे में जो मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है वो है Engage। ये एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है। इसे आप सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट हर फील्ड में यूज कर सकते हो। ऊपर से स्मॉल बिजनेस के हिसाब से ये लेस कॉस्टली भी है और शायद यही सब रीजंस है कि अराउंड द वर्ल्ड 46,500 स्मॉल बिजनेसेस इसकी सर्विसेज लेती है। इसको यूज करना भी इजी है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को साइन अप करने के बाद ओपन करते हैं, आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलता है। राइट टॉप कॉर्नर में आपको एड रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपको 26 टाइप्स की रिपोर्ट्स की फैसिलिटी दिखती है। इसमें आप सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, टीम लीडरबोर्ड रिपोर्ट्स, डील्स फोरकास्ट ग्राफ एंड प्रोडक्टिविटी स्टैट्स जैसी रिपोर्ट्स ऑटोमेटेड तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। और इतना ही नहीं, इन रिपोर्ट्स में ह्यूमन एरर का भी चांस नहीं है, क्योंकि ह्यूमन से मिस्टेक हो सकती है पर सॉफ्टवेयर से नहीं। गजब बेइज्जती है। इंसान तो गलतियों का पुतला है। खैर, टॉपिक में आते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो है इसका सेल्स ऑटोमेशन। स्मॉल बिजनेस में लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ सभी लीड्स को ट्रैक करना काफी मैसी हो जाता है। लीड्स जनरेशन के दौरान आप कई सारे कस्टमर से अप्रोच करते हैं, सबसे कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन या प्रोसेस आगे बढ़ चुकी होती है। सबको मैनेज करने में बहुत भूल हो सकती है, लाइक एक एम्प्लॉई ने किस लेवल तक एक कस्टमर से बात की थी, अब उससे आगे बात करनी है। ऐसे में एंगेज बे के सेल्स ऑटोमेशन के थ्रू आप पोटेंशियल कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हो, ऑटोमेटेड प्रपोजल्स, मेल्स, रिस्पॉन्स मेल सेंड कर सकते हो। ऐसा करने से कोई भी लीड मिस नहीं होगी। एंगेज बे के थ्रू ईमेल मार्केटिंग काफ़ी इफेक्टिव तरीके से हो पाती है। सॉफ्टवेयर में जब आप न्यू ब्रॉडकास्ट के ऑप्शन में जाते हैं, तब 3 टाइप्स के ऑप्शंस आते हैं, रेगुलर ब्रॉडकास्ट, AB ब्रॉडकास्ट और RSS टू ईमेल। पहला होता है रेगुलर ब्रॉडकास्ट, जिसमें आप अपडेटेड प्रोडक्ट्स, कंपनी न्यूज़, न्यूज़लेटर जैसी चीज़ें शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। AB ब्रॉडकास्ट, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने ईमेल के वेरिएशन को चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट लाइन्स, इमेजेस ऑफ डिफरेंट ईमेल कॉपीज। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है वो है RSS टू ईमेल। इसका यूज़ करके आप ऑटोमेटिकली अपने ब्लॉग्स को
एज ईमेल शेयर कर सकते हो। इन ब्रॉडकास्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने मेल के कंटेंट क्रिएटिव वे में डिजाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ईमेल मार्केटिंग कितनी एडवांस एंड इजी वे में हो सकती है इसके थ्रू। इसमें आपको 70 से ज्यादा ईमेल टेम्पलेट्स के ऑप्शन मिलते हैं। इन टेम्पलेट्स में भी फर्दर आपको 4 कैटेगरीज मिलती हैं, जो कि है जनरल, ई कॉमर्स, इवेंट्स एंड सेलिब्रेशंस। इसमें से मोस्ट यूज ऑप्शन ई कॉमर्स वाला ही होता है। इसके अलावा एंगेज बे के थ्रू कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट काफ़ी इजी एंड इफेक्टिव हो जाता है। एंगेज बे का कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट काफ़ी पावरफुल है। इसके थ्रू आप अपने कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर कैटेगराइज करके सेव रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर के सबसे कूल फीचर की, जो काम आता है लीड जनरेशन में, जिसके थ्रू आप नए कस्टमर्स को टारगेट कर पाते हैं, जिसका नाम है लैंडिंग पेजेस। लैंडिंग पेज एक स्टैंड अलोन वेब पेज होता है, जिस पर क्लिक करने से वो आपको कंपनी की ऑफिशियल साइट या पेज पे लेके जाता है। जैसे कि जब भी आप इंस्टा या एफबी पे किसी ऐड पे क्लिक करते हैं, तो जो पेज ओपन होता है उसे लैंडिंग पेज कहते हैं। एंगेज बे सॉफ्टवेयर का यूज करके अट्रैक्टिव लैंडिंग पेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं। इसके लिए इसमें 87 से भी ज्यादा टेम्पलेट्स दी गई हैं। लैंडिंग पेजेस फीचर में आपको 14 विजेट्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप फॉर्म, इमेज, वीडियो एक्सेट्रा ऐड करके अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप अपने कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स भी डाल सकते हो। तो हमने एंगेज बे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल के थ्रू जाना कि CRM सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करके कितने इजीली हम अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेटर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन के साथ हम अपने एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके थ्रू कस्टमर्स को बेटर वे में मैनेज किया जा सकता है और उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड की जा सकती है। और जो अभी हमने ये डिस्कस किया है, आप ये सब चीज़ें करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपका स्मॉल बिजनेस कभी भी फेलियर की तरफ नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो CRM की हमने एक पूरी सीरीज अपलोड की हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और CRM की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।